हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं कुशवाहा विनय मेहता गुड्डू। मैं आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ देव छठ पूजा में कितना भीड़ लगता है। वो सब आप देख सकते हैं, इस वीडियो में काफ़ी भीड़ है यहाँ पे। और वैसे भी भारत में छठ को महापर्व माना गया है, सब पर्व से ज़्यादा हमारा छठ पर्व है। देखिए पूरा इधर रास्ता गया है जो देव पोखरा तरफ और मंदिर तरफ जाता है, आपको दिख रहा है। देखिए देव सूर्य मंदिर भी थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है यहाँ से, आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा मंदिर है। और यहाँ का लोकेशन भी काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है हमें भी आकर यहाँ पे घूमकर। देखिए कितना श्रद्धांजलि लोग आ रहे हैं। देखिए सब कोई श्रद्धालु जा रहे हैं पूजा करके। बहुत अच्छा लग रहा है हमें भी आकर यहाँ, और ऊपर से इतना भीड़ है, बहुत काफ़ी भीड़ लगा है यहाँ पर। अभी तो कुछ भीड़ ख़त्म हो चुका है, स्टार्टिंग में यहाँ बहुत भीड़ था। देखिए ये छत है, छत पे भी एक लड़की है जो आई होगी पूजा करने, लेकिन यहाँ पर वो लगी है किसी से बात करने में। ये क्या पूजा करेगी, इसका तो काम ही अलग है ना। खैर छोड़िए, इन सब से क्या लेना देना है हमें। देखिए और ये इधर जो गया है ना रास्ता, ये सीधा कठवर आठ मनिका होते हुए मदनपुर तक चली जाती है रोड, हाईवे पर जो गया वाला रोड है वहाँ चल जाती है। देखिए चारों तरफ अपने अपने छत पर चढ़कर लोग देख रहे हैं इस मेला का, और इस भीड़ का आनंद उठा रहे हैं और मज़े ले रहे हैं सबको। बहुत अच्छा लगता है जब कोई इतना भीड़ लगता है वो भी किसी अच्छे काम के लिए। और मैं अभी चौथे नंबर फ्लोर पर हूँ, और सबसे फर्स्ट फ्लोर पे मनीष जी का इलेक्ट्रॉनिक का दुकान है, जो मनीष जी अभी हैं अपने दुकान में। और मैं अभी ऊपर छत पे आया हूँ थोड़ा सा वीडियो बनाने में, ताकि हमारे दोस्त लोग इस वीडियो के माध्यम से देख सकें, जो लोग नहीं यहाँ पर आए हो कहीं भी रहें, हम डाल देंगे यूट्यूब पर और सब लोग देख लेंगे। हम तो आए हैं घूमने, लेकिन जो नहीं आए हैं उन लोग तो देख सकते हैं हमारे किए गए वीडियो के माध्यम से। देखिए सूर्यास्त भी होने वाला है थोड़ी देर के बाद। चलिए दोस्तों बाय बाय। अब विशेष अगले वीडियो में मैं दिखाऊंगा आप लोग को, अभी मैं भी जा रहा हूँ घूमने देव पोखरा तरफ और मेला का आनंद लेना। तब तक के लिए इतना ही, नमस्कार।